वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो अशोक लेलैंड स्टॉक की बात की जाए तो फ्राइडे के दिन 145 पे क्लोजिंग दे चुका था अशोक लेलैंड स्टॉक। यानी कि देखा जाए तो देख सकते की तकरीबन हल्की सी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। अशोक लेलैंड देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ हिंदुजा ग्रुप का, यहाँ पे आप देख सकते एक पार्ट है अशोक लेलैंड कंपनी हैविंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस इन द डोमेस्टिक मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड वेल डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री एंड हैज अ प्रेजेंस 50 कंट्रीज, मीन 50 कंट्रीज में अशोक लेलैंड की यहाँ पे कंपनी मौजूदा है। तो रिसेंटली देखा जाए तो सबसे पहले चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते 52 वीक हाई बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते 1 तारीख को, उसके बाद गिरावट देखने को मिले। रिसेंटली गिरावट होते हुए नीचे जा रहा है अशोक लेलैंड स्टॉक। तो कहाँ तक जा सकता है सबके माइंड में इस सवाल है, स्टॉक गिरावट कहाँ तक हो सकते है। मंथली जो सपोर्ट वन है 141 लेवल पे, तो देख सकते कि वहां तक जाने के चांसेस और गिरावट होते हैं तो वहां से बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि उस लेवल पे पहले भी देख सकते सपोर्ट लिया गया था लास्ट मंथ में और पहले भी लिया गया था रेजिस्टेंस। तो देखा जाए फाइनेंशियल नंबर्स तो देख सकते हो मार्केट कैप 42,000 करोड़ के ऊपर है, पी रेशो 557 का है, बुक वैल्यू 24.9 का है। तो देखा जाए डिविडेंड भी ऑफर कर लेता है स्टॉक 0.69% का, ROCE 6.25, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.68%, फेस वैल्यू ₹1 का है। कंपनी के ऊपर टोटल जो लोन है वो 24,145 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो तकरीबन यहाँ पे 79 करोड़ का लॉस हो चुका है यहाँ पे स्टॉक को। तकरीबन देखा जाए तो देख सकते हैं कि EPS जो है 0.27 माइनस में है। सेल्स की बात की जाए तो 30,619 के सेल्स हो चुके थे और टोटल एसेट जो है 43,000 करोड़ के ऊपर। प्रोमोटर होल्डिंग पे देख सकते 51% के ऊपर है और प्लेसशिप भी शेष है उसमें, एक साल में 7.89% का रिटर्न दे चुका है। तो देखा जाए तो जून क्वार्टर के नंबर्स भी आज से आ चुके थे सामने, जो लास्ट वाला कॉलम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर का नंबर्स है। सेल्स से यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते हैं कि 8,470 पिछले क्वार्टर से कम सेल्स हो चुके थे, तकरीबन पिछले साल जून क्वार्टर से तो डबल सेल्स देखने को मिले थे। फिर भी देखा जाए तो देख सकते कि जो नेट प्रॉफिट है वो 5,33,00,000 का देखने को मिला था इस साल का पहले क्वार्टर का प्रॉफिट। तकरीबन देखा जाए तो देख सकते कि तकरीबन 5 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल लॉस के बाद आज देख सकते कि रिसेंटली प्रॉफिट में चली गई है कंपनी। जून 2000 में देख सकते बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट अशोक लेलैंड स्टॉक के लिए।